जय भीम दोस्तों, भारत में लगातार ऐसी घटनाओं के होने की खबरें आ रही है जहां दो समुदाय एक दूसरे से लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हों। राजस्थान की करौली में दंगा हुआ, मध्य प्रदेश में कई जगह दंगे हुए, फिर दिल्ली जल उठी। मैं चाहता हूं ये सब रोकना चाहिए। उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है, रोका जा सकता है। Communal clashes in several states on Ram Navami, which is on Sunday, in West Bengal, Jharkhand, and Madhya Pradesh. Incidents of stone pelting, vandalism broke out late last night. Communal violence was seen in as many as 7 states. And now Jahangirpuri in northwest Delhi continues to be tense today. Similar patterns of communal tensions and clashes soaring in Karnataka's Hubli city after violent clashes broke out last night there. Section 144 has been imposed. एक टर्म है कम्युनलिज्म, यानी सांप्रदायिकता। विपिन चंद्रा की किताब इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में कम्युनलिज्म की 3 स्टेजेस बताए गए हैं। पहले स्टेज में ये बिलीफ होता है कि जो लोग समान धर्म को मानते हैं उनकी कॉमन सेकुलर इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कॉमन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल इंटरेस्ट। कम्युनलिज्म के दूसरे स्टेज में एक कम्युनिटी के सेकुलर इंटरेस्ट दूसरी कम्युनिटी के इंटरेस्ट से अलग होते हैं। इसको लिबरल कम्युनलिज्म कहा जाता है। इस स्टेज के कम्युनलिस्ट यानी संप्रदायवादी कम्युनल पॉलिटिक्स यानी धार्मिक राजनीति में विश्वास रखते हैं, हालांकि वो अभी भी कुछ लिबरल, डेमोक्रेटिक और राष्ट्रवादी होते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी। अब आता है कम्युनलिज्म का तीसरा स्टेज। इस स्टेज में दो कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, जैसे अभी भारत में हो रहा है और कभी जर्मनी में हुआ करता था। इस स्टेज में राजनीति पूरी तरीके से सांप्रदायिक हो जाती है। एक्सट्रीम कम्युनलिज्म इन नटशेल, सांप्रदायिकता का मतलब मात्र इतना है कि अपने समुदाय से इतना प्यार करना कि दूसरे समुदाय के लोगों से नफरत हो जाए। अब आते हैं इसकी जड़ों पर, हाउ एंड व्हेन इट स्टार्टेड। 1905 आते आते भारत के समाज में ठीक ठाक राजनीतिक चेतना आ गई थी। इससे पहले 1857 में अंग्रेजों को भारतीयों ने तारे दिखा दिए थे। 1857 की क्रांति की सच्चाई के बारे में हम बाद में बात करेंगे। 20वीं सदी की शुरुआत होते होते भारत में हिंदू मुस्लिम की एकता अंग्रेजों के भारत में बने रहने के सवाल पर खतरा बढ़ने लगी, और ये खतरा बंगाल से उठता हुआ मालूम पड़ रहा था। 1905 के बंगाल विभाजन के पीछे भारत का बुद्धिजीवी वर्ग ये तर्क दे रहा है कि भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। अंग्रेजों के पास इसका तर्क ये था कि विभाजन से पहले ये पूरा का पूरा क्षेत्र पश्चिम बंगाल था। यहाँ मुख्य रूप से कोलकाता और इसके आसपास का क्षेत्र सबसे पहले ब्रिटिश प्रभाव में आए, तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एजुकेशन, डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा मिला। अंग्रेज कह रहे थे कि पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, वहां तक एजुकेशन, डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं पहुंच पाया है। अब क्योंकि भौगोलिक रूप से पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल अलग अलग है, इसलिए इन दोनों भूभाग को अलग करके पूर्वी बंगाल के डेवलपमेंटल कार्य किए जाने चाहिए, ये सोचकर कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। इस बंगाल विभाजन का पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने जमकर विरोध किया। पूर्वी बंगाल के मुसलमानों ने और निचले तबके के हिंदुओं ने इस बंगाल विभाजन का स्वागत किया, लेकिन पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने इस विरोध को सांप्रदायिक टच दे दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्पष्ट कहा कि बंगाल का विभाजन हिंदुओं का अपमान है और मुसलमानों की मानहानि, जबकि कहा यह जाता है कि बंगाल के विभाजन के कारण ही पूर्वी बंगाल के शूद्रों और निचले तबके के हिंदुओं की प्रगति संभव हो पाई थी। हमें एक बात यहाँ पर याद रखनी चाहिए, जहाँ जहाँ निचले तबके के हिंदुओं के डेवलपमेंट की बात आई, वहाँ वहाँ पर कास्ट के हिंदुओं ने शैतानी की है। नाउ बीइंग एन अम्बेडकराइट, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो यू अम्बेडकराइट व्यूज ऑफ एनी सिचुएशन और एन इंसिडेंट। एंड बाबा साहब अम्बेडकर वंस सेड, लाइफ शुड बी ग्रेट रदर देन लॉन्ग। ओ, दिस इज रिटन ऑन माई टी शर्ट। सो हेलो अम्बेडकराइट, अगर आप ऐसी शानदार कोटेशन वाली टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो अंजुल भैया की वेबसाइट tathagat.live पर जाकर खरीद सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए चेकआउट करिए यार। अब वापस आते हैं वीडियो पर। मैंने कहा पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने विभाजन को सांप्रदायिक टच दिया, कैसे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जानबूझकर स्वदेशी आंदोलन या विभाजन विरोधी आंदोलन का शपथ ग्रहण समारोह मंदिर में आयोजित करवाया। हिंदू संगीतकारों ने वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में गाया। इसमें आपको कोई हिंदुत्व नहीं दिखेगा, लेकिन विचार करने वाला पक्ष ये कहता है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक कविता थी जिसे उन्होंने आनंद मठ में देवी दुर्गा के लिए लिखा था। क्योंकि ये एक देवी गीत था, इसलिए कहीं ना कहीं मुस्लिमों की भावना इससे आहत हुई, क्योंकि इसे राष्ट्रगीत के रूप में पेश किया गया था। ऐसे में मुसलमानों को ये लगा कि विभाजन विरोधी आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है। बंगाल विभाजन के बाद सरकार ने वहाँ पूर्वी बंगाल में कुछ विकास कार्य शुरू किए,
जिसका सीधा फायदा वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन को मिला, वहाँ के शूद्रों को मिला। इससे पूर्व बंगाल के मुसलमानों को ये यकीन हो गया कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन ठीक किया है। दूसरी तरफ बंगाल के विभाजन का विरोध हिंदू कर रहे थे। नतीजतन 1906 और 7 में पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में खूब हिंसा हुई। इससे दोनों ही तरफ के लोग मारे गए और काटे गए। अब आता है साल 1906। बंगाल के विभाजन का पश्चिम बंगाल के हिंदू लगातार विरोध कर रहे थे, तो मुस्लिमों को लगा कि एक दल ऐसा होना चाहिए जो हमारी बात रखे। इसी मोटिव के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई। फिर आता है साल 1909 का। ब्रिटिश सरकार हर 10 साल में रिफॉर्म लाया करती थी, कानूनों को रिव्यू किया करती थी, तो 1909 में मार्ले मिंटो नाम से रिफॉर्म लाए गए। मुस्लिम लीग ने कमेटी के आगे कुछ मांगे रखी, उनमें से एक ये कि वाइस राय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दो लोगों को अलाउ किया जाना चाहिए जिसमें से एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति हो। अंग्रेजों ने ये डिमांड तो मानी ही, साथ में मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट भी दे दिया। यहाँ से गड़बड़ हो गई। सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट में अगर आपको समझाऊं तो मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लोगों की पॉपुलेशन है जिसमें से 6 मुस्लिम हैं। अब सेपरेट इलेक्टोरेट कहता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन में मुस्लिम ही कैंडिडेट होगा और मुस्लिम ही वोट देने वाले होंगे, बाकी कोई वोट नहीं देगा। अब इन दोनों ही बातों ने मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन को आपस में भिड़ा दिया, क्योंकि हिंदू कह रहे थे कि इतनी कम पॉपुलेशन होने के बाद भी वाइस राय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मुस्लिम कैंडिडेट होना गलत है, और मुस्लिम कह रहे थे कि हमारी तो इतनी कम पॉपुलेशन है इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट से हमारे प्रतिनिधि बात रखने के लिए सिस्टम में पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब जो 1905 में बंगाल विभाजन को सांप्रदायिक टच दिया गया था, वे पौधा बनने लगा था और भारत में सांप्रदायिकता का सेहरा बंधा अंग्रेजी अफसर मिंटो के सर पर। मुस्लिमों की बात रखने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना था। इस दौरान सांप्रदायिक हिंदुओं को लगा, यार हमारी बात रखने के लिए तो कोई है ही नहीं। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय, वीडी सावरकर और लाला लाजपत राय ने 1915 में हिंदू महासभा बनाई। अब हो गया काम पूरा। सांप्रदायिकता के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो सब आ गए। 1905 से लेकर 1915 तक के 10 साल के पीरियड में उन बीजों को भारत में बोया गया था जिनका फल ये देश आज खा रहा है। हिंदू महासभा के फाउंडिंग फादर्स में से एक हेडगेवार ने 1925 में RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया। RSS के एक मेंबर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ बनाया जो आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी बना। 1913 में मुस्लिम लीग में एक शख्स आया था जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में पाकिस्तान की मांग की, वो मांग ब्रिटिश सरकार ने 14 अगस्त 1947 को पूरी कर दी। नतीजतन भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन एक जटिल मामला है, इसके लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब की किसी की कम किसी की ज़्यादा गलती थी, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन पार्टीशन के दौरान जो हिंसा हुई, जो कम्युनल वायलेंस हुआ, उसने हिंदू मुस्लिम के बीच के जो खाई थी उसको पक्का कर दिया। BBC के अनुसार बंटवारे के दौरान 1.5 करोड़ लोग डिस्प्लेस हुए और 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। डरावना। फिर 1950 से लेकर 1980 के काल में ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, लेकिन इस दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों में वोट साधने की पॉलिटिक्स का स्वाद नेताओं के मुंह नहीं लगा था। अब शुरू होगी वोट बैंक पॉलिटिक्स। 1985 में एक केस होता है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला शाहबानो को अपने पूर्व पति से निर्वाह योग्य आय प्राप्त करने के अधिकार के बारे में निर्णय सुनाया। इस जजमेंट को भारत में अधिकारों के लिए मुस्लिम महिलाओं की लड़ाई और मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ लड़ाई में एक मील के पत्थर के रूप में देखा जाता है। मुस्लिम धर्म गुरुओं के आधार पर चलने वाली पितृसत्तात्मक मुस्लिम सोसाइटी ने इसका विरोध किया, तो वोट बैंक साधने की फिराक में राहुल गांधी ने न्यायालय का निर्णय पलट दिया। कमाल। इस केस के बाद BJP पूरे रंग में आ गई और कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगा, हिंदुओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मूवमेंट शुरू कर दिया था। मैं आपको बता दूं, इससे पहले BJP को 1984 के लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीटें मिली थी। हिंदुत्व की राजनीति का तुरंत फल मिला और 1989 की जनरल इलेक्शन में BJP की 85 सीटें आई। वाह, मजा आ गया। यहाँ से RSS, विश्व हिंदू परिषद और BJP ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि BJP के नेताओं के हाथ में अब गोल्डन फॉर्मूला लग गया था हिंदुत्व की राजनीति। परिणाम आते देख BJP के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने तुरंत गुजरात के सोमनाथ से UP के अयोध्या तक रथ यात्रा का ऐलान किया और रथ यात्रा निकाली, जिसका फल BJP को 1991 के जनरल इलेक्शन में 120 लोकसभा सीट के साथ मिला। पावर हाथ लगते ही राइट विंग पॉलिटिशियंस ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद उड़वा दी। उस दिन खाली बाबरी मस्जिद का ढांचा नहीं गिरा था, ढांचे के साथ हिंदू मुस्लिम एकता की उम्मीदें भी गिर गई थी। इसके बाद ये देश 3 महीनों तक सांप्रदायिक दंगों में जलता रहा। ये दंगे स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगों में से एक थे।
विज्ञान का एक नियम है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बाबरी मस्जिद के तोड़ने का रिएक्शन आया मुंबई हमलों के रूप में। 12 मार्च 1993 को मुंबई के 12 जगहों पर धमाके किए गए। इसमें 250 से ज़्यादा लोग मारे गए और 800 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। अब हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई बड़ी होती गई और गहराती गई। इसके बाद अगले डिकेड में गोधरा कांड होता है। गोधरा गुजरात का एक रेलवे स्टेशन था, जहां अयोध्या से वापस आ रही साबरमती एक्सप्रेस को जला दिया गया। इसमें 59 आरएसएस के कार सेवकों की मौत हो जाती है। इसका रिएक्शन आता है पोस्ट गोधरा राइट्स के रूप में, जब गुजरात में 2000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया जाता है। मरने वालों में मेजोरिटी मुस्लिमों की थी। फिर इलेक्शन से पहले 2013 में यूपी के मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं। देश में तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। 2020 में दिल्ली दंगे होते हैं और अब 2022 में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में और उत्तराखंड में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। कहते हैं 1993 दंगों की जांच ठीक से होती तो गोधरा कांड नहीं होता, गोधरा की जांच ठीक से होती तो मुजफ्फरनगर दंगे नहीं होते, मुजफ्फरनगर दंगे की जांच ठीक से होती तो दिल्ली नहीं दहलती। तो इस तरह इस देश में दंगे होते गए, हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई बढ़ती गई। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की बात करेंगे अगले वीडियो में, खूब सारे तर्क, खूब सारे रिसर्च के साथ। तब तक मैं आपको इस वीडियो के साथ छोड़ता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथियों के साथ सही जानकारी शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। प्रेम बना रहे।